परिचिती बुढ़ापा आने के बाद सगी घरवारी परवारी तकारी रिश्तेदारी सारी कोई साथ ना दे तो, और बुढ़ापा आने के बाद ये खून भी साथ छोड़ देता है। खून मेरा मतलब है मेरे भ्रांति में धोखा नहीं है, ये हो अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना नहीं होता। परिचित अपना खून कौन है, बेटा भी अपना खून है, लेकिन ये बुढ़ापे पे ये लड़का भी साथ छोड़ देते हैं। एक लड़का भी साथ छोड़ देता है बुढ़ापे में दादा, कोई अपना नहीं होता। जरा गौर करें, परशुराम के पिता थे ऋषि जमदग्न। जमदग्न ने कहा था कि परशुराम ये फरसा उठाओ, अम्मा और भाइयों को मार डालो, काट डालो। आहा, परशुराम ने दया नहीं की। सगे भैया को जिसने थामा, इतने कम में भी होता नहीं है, अपना खून अपना होता चला। जब रही परशुराम की बात, दूसरी ओर देखो परीक्षित, रावण का सगा भाई था विभीषण, जिसे अपना खून कहेंगे। रावण के 9 शीश कट जाते हैं, लेकिन शीश पुनः फिर निकल आते हैं। तो परीक्षित भाई रावण का भाई था विभीषण, घर का भेदी लंका। सगे भैया को मर पाने में भाई बिल्कुल दहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं। चलो जवाब छोड़ो, ये तो घर की बात रही, परिवार की बात रही। अपने शरीर के अंदर खून जो है बहनाओ, ये भी अपना नहीं होता। जिस खून को बढ़ाने के लिए हम आप पौष्टिक आहार खाते हैं, एक शेर के परिचित शिकारी ने गोली मारी, और जब गोली मारी तब वही शरीर का खून। शेर जान बचाने वाला दाना, शेर का खून खून उसको ही रास्ता। भागा शिकारी वो खून देख,
पीछे भागा शिकारी वो खून देख से अपने खून से बचता नहीं है, अपना खून अपना होता मेरी बहनों भाइयों, ये अपना खून भी अपना नहीं होता। जिस खून को बढ़ाने के लिए हम आप पौष्टिक आहार खाते हैं, परिचिति बुढ़ापा इतना कड़वा सच है कि बुढ़ापे में परिचिति घरवारी परवारी सभी साथ छोड़ देते हैं। पंडाल में बैठे हुए सभी सज्जन लोग ध्यान दें, हमारी भक्तगढ़ माताएं बहनाएं, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में, औलाद की पहचान होती है पिता माता के बुढ़ापे में। अगर संतान बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कर गई तो सच्चा सपूत भई है। चंदन की किरचे भली गाड़ी भरो न काट, और सपूत घर में एक ही भलो कपूत भले नहीं साठ। घर में अगर एक पुत्र है सपूत है अच्छा है माताओं बहनाओं, तो जीवन पिता माता का पार हो जाता है। और कपूत अगर साठ है तो परिचित जी पिता माता के लिए इससे बड़ा दूसरा नरक और कोई नहीं है। जरा गौर करें, बूढ़े से ब्राह्मण देवता परिचित जी चले हैं भोजन लेकर के भगवान कन्हैया के पास में, तो वृक्ष की छाया में जाकर के पहुंचे। जेठ की दोपहरी थी, पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए, और जब बैठ गए तो भोजन किया तो लेट गए तो परिचित जी सो गए, और जब सो गए तो भगवान ने योग माया के द्वारा बूढ़े से ब्राह्मण देवता को द्वारका में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भगवान द्वारका में पहुंच जाते हैं। आइए परिचित जी, द्वारका में जाकर के बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, क्यों कौन सा नगर है? द्वारका छे। कन्हैया कहाँ रहते हैं? कन्हैया छे। कन्हैया छे, मैं बोलू तो मैं नहीं खबर छे। द्वारका छे, कन्हैया छे, ते पापा छे। ब्राह्मण देवता बोले, कहने लगे, भैया द्वारका भी छे है कन्हैया भी छे है, समझ में नहीं आता। ब्राह्मण देवता, हाँ हाँ, पूरब से आए? हाँ, पूरब से आए भैया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो तुम्हारे ते है बोल तो हमारे ते छे बोल भैया। हाँ। तो काहे को छक्काड़े को पालो पेड़े फिर तो है भैया, हमें जब बता दे कन्हैया कहाँ मिलेगा, सीधे चले जाओ करिया करिया। परीक्षित जी, भगवान को इशारा कर दियो है बूढ़े से ब्राह्मण देवता के लिए, तो मेरी बहनाओं बूढ़े से ब्राह्मण देवता भगवान के दरबार में जाके पहुंचते हैं। जो कन्हैया के ऊपर नजर गई बूढ़े से ब्राह्मण देवता की, तो मन ही मन में सोचने लगे, वाह भी वाह, मिल गए गंगा जी के गोदन, ये तो बिल्कुल कारो धरो का है। भगवान ने ब्राह्मण देवता को बैठा लिया, तिरछी निगाह से कन्हैया देखने लगे। से बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, कारो को कारो डेढ़ा और काय, रुकमणी तो ठग गई। भगवान मुस्कराए तो तीनों लोगों के भगवान के मुखारवंद में दर्शन होते हैं भक्तों। और जब दर्शन हुए, पूरे से ब्राह्मण देवता समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। परीक्षित जी खत दिया, भगवान कन्हैया ने देर नहीं लगाई, रथ पर बैठा ला है बूढ़े से ब्राह्मण देवता को, और रथ पर बैठा करके बूढ़े से ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया एक पल भी नहीं लगाते हैं, परीक्षित जी रथ जो था वो कुंदनपुर में आके खड़ा हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की, पहुंच गए। पंडित जी भेज देना हमारे पास में हमारी रुक्मणी को, भेज देना, हम रुक्मणी को रथ में बैठाल करके द्वारका के लिए ले जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने परिचित जी क्या किया, कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, प्रणाम किया है, प्रभु हमारी तो किस्मत सुधर गई जो तुम्हारे रथ में बैठ करके हम कुंदनपुर में चले आए हैं।
रुक्मणी के पास में बूढ़े से ब्राह्मण देवता आए तो रुक्मणी ने पूछा, क्यों पंडित जी कन्हैया कहाँ है? तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता मन ही मन में सोचने लगे, बोले रुक्मणी क्या देखा था तुमने? मतलब क्या कारो धरो है? कारो धरो है? बोले बत्तो। रुक्मणी कहने लगी, हमारे श्याम काले हैं लेकिन दिल वाले। पंडित जी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। पंडित जी कहाँ से आए? पंडित जी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, अच्छा प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। सब कुछ कहियो लेकिन हमारे कन्हैया से कारो मत कहियो। अरे कारा है लेकिन दिलवाला है, मौकी और क्या देख रहे? पंडित जी समझ गए, प्रेमी लोग इस प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो जान दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को वाला क्या नदिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। कन्हैया को काला मत कह देना। बूढ़े से ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो रुक्मणी कन्हैया आ तो गए हैं। रुक्मणी बोली, तो है कहाँ? बोले अलोपा मैया के मंदिर के पास में ठाड़े, और एक काम करो, सुन रही हो ना, एक काम करो, आरती के पूजा के बहाने अलोपा मैया के मंदिर तक जाओ। तो परिचित रुक्मणी भागी, और जो रुक्मणी भागी आहा एकदम से बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, काय रुक्मणी ये देखो रोटी तो खवाई देती, भूख लग रही है, रोटी खिलाओ। पंडित जी बोलो, अभी नहीं खिला पाऊंगी। बोले क्यों? बोले सुना, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण मोए दे रही है न लगी जावे। अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मुझे देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो मेरे श्याम की सूरत वहां से चली जाएगी ना पंडित जी, चली जाएगी। Yeah.
श्रीमान प्रेमचंद्र मिर्जापुर से हमारे फौजी भैया के भूपा जी है, वो शरबत पिला रहे हैं सभी को, सभी लोग शरबत पियो। और इसे हमने कहा था शादी होने दो, अभी नाश्ता आएगा, तो शरबत का आया, अभी पकौड़ी आ रही है, ठीक है। तो रुक्मिणी भागी, रकम ने देख लिया है, कहाँ जा रही है भैया? बोला माताओं, रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए थे, 16 परिचय जी माफी चाहेंगे, रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चलती है तो रुकम रोक लेता है, पहले माफी चाहेंगे। पहले हमारी देवियाओं के 16 ही श्रृंगार हुआ करते थे, और अब भगवान की कृपा से 2 श्रृंगार और बढ़ गए। आप लोग हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं, 2 श्रृंगार बढ़ गए, 70वो श्रृंगार जे भौं सेट होने लगी है, पहले जो कछु ना आया तो। हाँ, 18वो श्रृंगार जे लटे लटकन लगी है, 2 श्रृंगार और बढ़े, 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी आगे बढ़ी। माताएं, कलश वाली बहनाएं जो हैं, हमारी बहन खड़ी हो जाएं, और आइए रुक्मिणी जो है परिचिति चली है दरबार से मंदिर तक, सेना लगा दी सहेलियों को लेकर के, साथ में आगे बढ़ी। बोले अरे चली ससुराल दुल्हनी बन के, चली ससुराल दुल्हनी बन के। जो भात पहनाने वाले भैया है, भात पहना सकते हैं। इसी बीच में आदेश यादव खेमपुरवा से, अमूल डिस्ट्रीब्यूटर हरियाणा से आए हैं, 1101 रुपया भेज रहे हैं, कह रहे हैं आला में छाप लगा दीजिए मेरे भैया। लला रक्षा बंधन हमें मेरे छोटे भैया को करने आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली I'm